वेलकम टू द चैनल शेफ शीरू। आज बनाने जा रहे हैं हम दही वाली भिंडी के इंग्रेडिएंट्स। YouTube डिस्क्रिप्शन में भी आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की फेवरेट डिशेस में से एक है भिंडी। कई लोगों को पसंद आती है, कई लोगों को नहीं पसंद आती। कैसी बनी है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों को पसंद आ जाए भाई। हम लोग तो खा ही लेते हैं, मेन बच्चों को अच्छी लगनी चाहिए। बनाइए, चलिए शुरुआत करते हैं बनाना। सबसे पहले तेल लेकर के घी ज़रूर डालता हूँ, घी से स्वाद डेवलप होता है। उसमें भिंडी डाल के हमें फ्राई करना है हल्की क्रिस्प होने तक। बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, स्टिर करते रहना है। ध्यान रहे जलनी नहीं चाहिए। फ्राई करने के बाद हम इसे अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, ये निकाल रखा हमने। ये हमने फ्राई करी हुई भिंडी निकाल ली और बचे हुए तेल में हमें सबसे पहले लहसुन डालना है। फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, फिर प्याज ऐड करने हैं और जिंजर गार्लिक, होल चिली रेड मिला के इसको मिक्स करना है, स्टिर करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद इसमें हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, मीट मसाला, धनिया पाउडर, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है। हाफ बोल पानी डाल के इसको हिला के भूनना है। ध्यान रहे मसाला नीचे लगना नहीं चाहिए, इसलिए हम पानी ऐड कर रहे हैं। टमाटर के साथ नमक डाल के मिक्स किया, दही मिलाया और इसे अच्छी तरह से मैश किया। टोमेटो पूरी प्यूरी बन जाए, चलाते रहना है ताकि जले नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे पकाते रहना है। हरी मिर्च, अजवाइन, ओरिगैनो फ्लेक्स, जीरा, वाइट पेपर, सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के मिक्स करना है जब तक कि ग्रेवी तेल नहीं छोड़ देती। देखिए हल्का तेल छूटने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ भिंडी, स्टिर करके मिक्स करेंगे अच्छे से। हर चीज़ को एक साथ नहीं डाल देना है। कई लोग करते हैं कि वही धनिया पेपर ये सब एक साथ नहीं। अब इसे ढक के पकने देना है 5 मिनट बाद। देखिए तेल छोड़ना चाहिए मेन, तेल आपको बाहर तैरता हुआ दिखेगा। तेल दिखने लगे तो 15 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए इसको 15 मिनट के लिए, गैस बंद करके। और ये देखिए शानदार लाजवाब भिंडी तैयार है। बच्चे भी खाएंगे, घर में सभी को पसंद आएगा। सर्व कर सकते हैं तवा रोटी के साथ या दाल चावल, दाल राइस के साथ भी ये भिंडी काफ़ी अच्छी स्वादिष्ट लगेगी। देख सकते हैं आप इसका जायका। बनाइएगा ज़रूर और अपने कमेंट्स हमें YouTube चैनल पे ज़रूर सेंड करिएगा। इसके अलावा भी हमने कई सारी डिशेस अब तक अपलोड करी हुई हैं, उन्हें भी बना के बताइएगा कैसी लगी। जैसे चिकन, मैगी, पनीर बटर मसाला, इसके लिए काफ़ी सारी हमारे पास अच्छी रिव्यू आए थे। आलू गोभी फ्राई 15 दिनों में देख सकते हैं 300 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को। आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक में जाइए, शेफ शीरू टाइप करके लाल बटन सब्सक्राइब को प्रेस करिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन